जेसन हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। मैं टुपलो ख्वाजा बेस्ट कॉन्शियस पावर यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए एक बहुत दिलचस्प वाला टॉपिक लेकर आया हूँ, सीक्वेंस, या इसको हम पैटर्न भी कह सकते हैं, या लोग इसको मैथ्स प्रेजेंस कहते हैं, लेकिन ये मैथ्स प्रेजेंस का क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली ये सीक्वेंस का क्वेश्चन है, या भले इसको आप पैटर्न भी कह सकते हो। ये मुझे व्हाट्सएप पर आया है, ये क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी उतार दिया है कि ये इसका आंसर क्या होगा। अब लोग पता क्या करें, इसको 9 से 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 72 आ गया, फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 56 आ गया, फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये 42 आ गया, और फिर लोग क्या करें 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके इसका जवाब 18 लिख रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स और आम लोगों ने ये इसका आंसर 18 बताया है, और मुझे मेरे से पूछ रहे हैं कि ये सर आंसर सही है या गलत है। अब मैं पहली बात बताता हूँ, ये 18 आंसर बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। अब कैसे आंसर सही है, क्या आंसर है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, अगर आपको कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको आंसर आता है तो आप वो मेहरबानी करके कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दो। अब ये आंसर जो है उसका मैं बता रहा हूँ, वो होगा 12। अब आप हैरान रह गए, 12 कैसे आया? ये जनाब 12 ऐसे आया, इसका जो पैटर्न सॉल्यूशन वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह आया। देखो, आपने 9 से मल्टीप्लाई किया, पहले 10 से, पहले किससे मल्टीप्लाई किया आपसे, 10 से, तो 90 आ गया। उसके बाद बारी है 9 की, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 8, तो ये 8 ये आपका 72 बनेगा, और फिर आपकी बारी आती है किसकी, 9 के बाद ये 8 आया, फिर 7 की, अब 7 क्या ये 56 आ गया। इसी पैटर्न इसके बाद देखो, 7 के बाद 6 आता है तो ये आपका हो जाएगा 42। अब 6 के बाद 5 आना चाहिए, डायरेक्ट 3 कैसे आएगा, मैं इसका रूल होता है ऐसे नहीं चलता। अब ये 5 के हिसाब से ये देखो, पहले आप जिस तरह ये 9 8 का 72 कर रहे हो, और 8 7 का 56 कर रहे हो, और 6 7 का 42 कर रहे हो, तो अब 6 5 का 30 होना चाहिए। और उसके बाद देखो 4 की बारी है, और उसी पैटर्न से 5 को 4 से करो तो 20 आएगा, और अब बारी 3 की है, और 3 को 4 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया आपका, 12 आया। अब उम्मीद है कि ये आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, और आंसर जो गलती मत करना, 18 आंसर नहीं है। आप किसी को भी 18 आंसर शेयर मत करना जिसने शेयर नहीं किया है, अगर शेयर कर भी दिया है तो वो 18 को हटा के 12 आंसर दे दो, क्योंकि आपकी जो है ना इज्जत जा रही है, आप गलत हो, सही आंसर दियो। और आपको इंशाल्लाह मेरा ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप मेरी इस को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।